नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी गाइस। आज हम लोग आप लोगों को कुछ स्पेशल बताने आए हैं। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो इस समय अपनी तैयारियां लगातार कर रहे होंगे, लेकिन इसी बीच तैयारी को एक सिस्टमेटिकली तरीके से करना होगा। कैसे करना होगा आज उस बारे में बात करेंगे। बात करेंगे हम लोग एमबी बुक के बारे में। ये एमबी बुक, इसमें क्या नया अपडेशन आया है, किस तरह से इसको पढ़ा जाए, पूरा का पूरा सेट आप लोग किस तरह से फिनिश करें, और एग्ज़ाम से पहले इस बुक को कैसे फिनिश करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी आपके काफ़ी दूर हैं, बहुत नज़दीक नहीं है एग्ज़ाम। सो गाइस, ध्यान रखें कि आपको एग्ज़ाम से पहले पहले इस बुक को फिनिश करना है। देखिए, ये लेटेस्ट बुक है, न्यू बुक आया है एमबी का। आप कोशिश करके इसको ले सकते हैं। आपके आस पड़ोस में कोई भी बुक स्टॉल होगा, वो शॉप ओपन करके आपको दे सकता है, बड़ी बात नहीं है। और गाइस, यहाँ इसको पढ़ना कैसे है इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कम्प्लीटली हम लोग इसका आपको आज रिव्यू देने वाले हैं, और ये कितनी फ़ायदेमंद है आपके एग्ज़ाम्स के लिए इस बारे में बताने वाले हैं आपको गाइस। यस गाइस, सो वीडियो पर पूरे बने रहिएगा, क्योंकि मैंने इस बुक को कैसे पढ़ा और किस तरह से अपनी इंग्लिश को मैंने इम्प्रूव किया वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इसकी मत कीजिएगा। इस 4-5 मिनट की वीडियो आपकी आज ज़िंदगी बदल सकती है, और आपको इसकी ज़रूरत भी है। काफ़ी समय से मेरे से बच्चे इसकी डिमांड कर रहे थे, वीडियो की पूछ रहे थे, तो आज फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आपको सही दिशा निर्देश दिए जाए। सो गाइस, आइए चलते हैं हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और इस बुक का अब रिव्यू जान लेते हैं, आइए। सो गाइस, बुक की बिल्कुल इंडेक्स से अगर बात शुरू करें, तो यहाँ बुक में उसने पहले आपको ग्रामर रूल्स दिए हैं अपने, जो भी ग्रामर रूल्स बुक के अंदर छपे हैं पढ़ सकते हैं आप, लेकिन हालांकि इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि वो रूल आपके बहुत काम आए, इसको आप स्किप कर सकते हैं। वॉइस नरेशन यानी कि सब कुछ यहाँ पर, यहाँ तक का हिस्सा आपका काम का नहीं है। यहाँ आपके लिए यहाँ से शुरू होता है काम का हिस्सा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वो भी उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने हैं। जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने ही नहीं है, तो आपके लिए ये यूजलेस है। स्पेशल वर्ड्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ईडियम्स फ्रेजेस या आप पढ़ सकते हैं इससे। फ्रेजल वर्ब यानी कि शुरू के 9 चैप्टर में से आपके जो काम के चैप्टर हैं वह है सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ एग्ज़ाम्स के लिए, स्पेशल ईडियम्स फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब, बस ये 3 चैप्टर आपके काम के हैं। इसके अलावा आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ने हैं शुरू के 9 चैप्टर में से। कई बच्चे सोचते हैं कि इससे ही ग्रामर कर लूँ, इससे वॉइस नरेशन कर लूँ, PQRS कर लूँ। जी नहीं बच्चों, इतने अच्छे स्तर के नोट्स इसमें ग्रामर के नहीं हैं जो आप पढ़ सके। अब गाइस, यहाँ पर बात करें अगर सेट की, तो यहाँ पर सेट वाइज आपको दिया गया है। 2015 के सेट दिए गए हैं, 2016 के सेट दिए गए हैं, फिर आगे और भी सेट दिए गए हैं। 2015 में 8 सेट दिए गए हैं आपको इसके। सो गाइस, यहाँ पर सेट वाइज आपको सिस्टम दिया गया है। एक 2017 के सेट्स दिए गए हैं जिसमें CPO के हैं, फिर CGL टीयर 1 के सेट हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे गाइस, सेट तो इसके अंदर बहुत सारे, क्योंकि शुरुआत में लिखा है बुक के 195 सेट्स इसके अंदर पब्लिश हैं, तो आप उन सबको ईजिली कर सकते हैं, जितना चाहे आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये सब आपको फिनिश करने ही होंगे एग्ज़ाम से पहले, ये ध्यान रखें आप लोग। 2018 के भी सेट इसके अंदर पब्लिश हैं बच्चों, ध्यान रखें। तो मतलब बुक के अंदर बहुत कुछ है अगर देखा जाए पढ़ने के लिए। हम लोग अगर बात करें यहाँ पर और कुछ नए मटेरियल की, तो उस पर चलते हैं लेकर के आपको। जैसे कि पहला टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ एग्ज़ाम्स में आना है, कुछ एग्ज़ाम्स में नहीं आना है। एसएससी स्टेनोग्राफर वाले इसको ना करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का टॉपिक ये नहीं है। अब यहाँ गाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या दिया उसने, जैसे कि वर्ड दिया है, उसका इंग्लिश मीनिंग दिया है, साथ में हिंदी मीनिंग भी दिया है। तो ये एक बहुत फ़ायदे की बात है, क्योंकि किरण बुक से अगर आप लोग करते हैं, तो किरण बुक में एक फ़ायदा है कि उसमें 4 ऑप्शन के साथ दिया गया है, लेकिन उसमें इतना अच्छे से नहीं दिया गया, इतना अच्छे से इसमें दिया गया है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से करने के बाद में आप लोग किरण बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खूब ज़्यादा ईजी रहेगा आपके पास में। और डेली का एक टारगेट बनाएं कि डेली एक पेज आपको याद करना ही करना है, और कोशिश करें कि आप लोग इसको एक ट्रिक बना के याद कर लें अपनी तरफ से। कुछ भी आपको जो भी याद लगे आप उसकी ट्रिक बना सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर के ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए होगा। गाइज, अगर बात करूँ ईडियम्स फ्रेजेस की, तो इस बार एक नया अपडेशन है ईडियम फ्रेजेस के अंदर। चैप्टर 7 आपको बुक में दिया गया है। यहाँ पर ईडियम फ्रेजेस में आपको विद इंग्लिश मीनिंग दिया गया है, अ बीहाइव, अ वेरी बिजी प्लेस, एक व्यस्त जगह। तो यहाँ पर आप इनको याद कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर मेरा भी वीडियो YouTube पर पड़ा हुआ है, लगभग 2-2 घंटे की 2 टॉपिक्स पड़े हुए हैं वीडियो, जिसमें मैंने पूरी बुक के आइडियम्स फिनिश किए हैं। तो आप वहाँ से जाकर के भी देख सकते हैं, और बाकी आप अपने आप से ही पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मतलब पढ़ना ज़रूरी है, कुल मिला के बात यह है, आपको ये डेली 1 पेज याद करना है।
एक सेल्फ ट्रिक अपने आप से बनाइए आप लोग वर्ड को याद करने की। लाइक मान लीजिए पहला वर्ड ये कह रहा है कि अ बी हाइव, जिसका मतलब है अ वेरी बिजी प्लेस। तो गाइस आपको पता है बी बोलते हैं मधुमक्खी को और हाइव बोलते हैं छत्ते को। तो मधुमक्खी के छत्ते पर कितनी मधुमक्खी चिपटी रहती हैं और कितना बिजी प्लेस है वो मधुमक्खियों के लिए, तो आप उसको ऐसे याद सकते हैं। तो मतलब कुछ भी एक प्लान आप इस तरह से क्रिएट करें और इसको पढ़ना शुरू करें। एडम्स का डेली एक पेज आपको फिनिश करना है, 23 पेज हैं आपके पास एडम्स के, आप लोग विदिन 23 डेज में इसको पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, हमने 23 इसकी वीडियो बनाई है, अलग अलग वे ट्रिक हैं, आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं सेट की तरफ। सेट से पहले यहाँ पे एक चीज़ और बच्चों आपके लिए है, वो है फ्रेजल वर्ब। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चैप्टर बच्चों का, बहुत ज़्यादा कि सर इसको कैसे याद रखा जाए। देखिए फ्रेजल वर्ब एमबी बुक से करने में एक फ़ायदा यह है कि उन्होंने तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने विद इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग भी दिया है, तो आप इसको इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको भी हमारी वीडियो से कर सकते हैं, बिकॉज हमने एमबी बुक के अलावा भी एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब वहाँ पर कराई है आपको डिवाइस के हिसाब से ही, आप चाहें तो वहाँ से जा करके भी कर सकते हैं। अब गाइस अगर बात करें पूरे सेट की, तो सेट का लेवल आपको अपने हिसाब से सेट करना है। लाइक मान लीजिए अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो पहले स्टेनोग्राफर के सेट कीजिएगा, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पहले एमटीएस के सेट कीजिएगा, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो पहले सीजीएल के सेट कीजिएगा, एक लेवल बनाइएगा। दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं है कि आप केवल इन्हीं के सेट के लिए, इसके अलावा और ना करें, क्योंकि एसएससी अपना पूरा एग्जाम रिपीट करता है, अपने किसी भी एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन वो निकाल सकता है जो उसको अधिकार है, क्योंकि सभी एग्जाम उसी की हैं, आपको करने सभी हैं, ध्यान रखें। जैसे कि मैं बात करूँ अगर यहाँ पे सेट नंबर 2 की जो खुल गया अचानक से, तो सीजीएल का है ये टीयर 1 का पीटी लिखा हुआ है प्री टेस्ट। तो कहे यहाँ पर पहले दिए उसने 5 कॉमन एरर्स, तो आप एक टाइम सेट करें, ध्यान रखें। देखिए स्टेनोग्राफर का सेट मैं एक परिपूर्ण सेट मानता हूँ उस सेट को, क्योंकि उसके अंदर 100 क्वेश्चन में हर वो चीज़ रहती है जो हमें चाहिए, और बहुत थोड़ी मात्रा में, और इतनी मात्रा में इतनी ज़रूरत है। अगर हम लोग मेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो 200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि बहुत बोरिंग कर देता है। अगर हम लोग सीजीएल के प्री टेस्ट की बात करें तो जिनमें आजकल 25 क्वेश्चन आने लगे हैं, जो कि बहुत कम रह जाता है, जहाँ से आपकी तैयारी को चार चांद नहीं लग सकते। तो स्टेनो सेट इसलिए परिपूर्ण सेट माना जाता है, स्टेनो के बच्चों को इसलिए परिपूर्ण माना जाता है इंग्लिश में, क्योंकि वो हर चीज़ को एक बराबर मात्रा में लेकर चलते हैं, जितना चाहिए उतना। सीजीएल वाले बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और एमटीएस सीएचएस वाले बहुत कम। तो यहाँ पर गाइस जैसे कि 50 क्वेश्चन का सेट है, आप उसके लिए मिनिमम तैयार रखें कम से कम 25 टू बस 20 मिनट के आसपास तैयार रखें इसके लिए, इससे ऊपर नहीं बच्चों, 25 भी नहीं, 20 मिनट मैक्सिमम है आपको एक सेट करने के लिए। और एक प्लानिंग के साथ घर पर करें, लाइक पहले कॉमन एरर करेंगे सारा पोर्शन, जितना भी कॉमन एरर दिया उसने यहाँ पर, ये अगले 10 क्वेश्चन तक यहाँ तक, यस। उसके बाद में वोकेबलरी को जब आप करें गाइस, तो वोकेबलरी करते वक्त ध्यान रखें कि जब आप वर्ड पढ़ रहे हैं डिमिनिश, तो आप ये देखें कि इसका मीनिंग क्या है। हिंदी मीनिंग तो आपको पीछे मिल ही जाएगा इसका, साथ ही साथ आप डिक्शनरी खोल के बैठे अपने पास में, डिक्शनरी में ये चेक करें कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, आपका एडवर्ब है, क्या है वर्ड आपका, ये आप उसको उसके साथ करें, फिर ऑप्शंस को देखें। कई बार क्या होता है कि बच्चों के साथ में एक समस्या आती है कि सर दो के मीनिंग सेम नज़र आ रहे हैं तो कौन सा लगाना है हमें, तो वो समस्या आपके हाथ से दूर हो जाए, क्योंकि एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होगा, वर्ब का वर्ब होगा, एडवर्ब का एडवर्ब होगा, यहाँ से आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो जब भी आप पढ़ें घर पर अपने, तो आप कुछ इस तरह से पढ़ें। उसके बाद में गाइस बुक माई वे सभी इडियम्स को आप लोगों ने पढ़ लिए हैं जब पीछे से, तो अब यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करें। आप लोगों को लगेगा कि हाँ मेरे पढ़े हुए इडियम्स यहाँ पर आ रहे हैं, ये 5 इडियम्स दिए गए हैं, फिर यहाँ पे फिर से कॉमन एरर के टाइप में एरर दे दिया, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दिया गया है आपको 10 क्वेश्चंस। सो गाइस ये एक पूरा प्रोसीजर आपके सामने है, ये 5 वन वर्ड हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर में नहीं आते हैं, तो आप मत पढ़ें स्टेनोग्राफर बच्चे। हाँ पैसेज को पढ़ने के लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चले कि हमें पैसेज पढ़ना कैसे है। गाइस कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर वोकैबुलरी वीक है तो पैसेज नहीं पढ़ पाते हैं, ग्रामर वीक है तो पैसेज नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसके ऊपर ही कल का वो वीडियो था, उन्हीं को मोटिवेट करने के लिए वो कल का वीडियो था। सो गाइस यहाँ पर आपको इस तरह से बुक को पढ़ना है, पैसेज को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखें पैसेज पढ़ना ही पढ़ना है, आप इसे 1 से लाख तक भी स्किप ना करें, क्योंकि पैसेज ही वो पोर्शन है जो आपको पूरे नंबर लाकर दे सकता है। थोड़े से दिनों की तैयारी में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्लोज टेस्ट अगर वोकैबुलरी बेस्ड आ गया तो वहाँ आपके नंबर खो सकते हैं, लेकिन पैसेज में आपके नंबर नहीं खोएंगे, ये ध्यान रखें। तो कंप्रिहेंशन को आप करते हुए चलें, घर पर डेली आज से लगा दें 2 या 3 प्रैक्टिस सेट कंप्रिहेंशन के, और इस तरह से आप अपनी पूरी तैयारी करते हुए चले। सो गाइस हर सेट को इस तरह से करना है। अगर गाइस सेट आपका 100 मार्क्स का है, यानी कि स्टेनोग्राफर का है, तो आप उसके लिए दीजिए कम से कम 35 टू 40 मिनट, 35 टू 40 मिनट भी नहीं, बल्कि इसके लिए कम से कम आप, मैं स्टेनोग्राफर वाले बच्चों को कह रहा हूँ कि आप कम से कम अगर 1 घंटा भी इस पर दे दें तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। यस गाइस, चूँकि आपको स्टेनोग्राफर में वहाँ पर केवल इंग्लिश पर ही फोकस रखना है अपना,
वैसे तो घर पर अगर आप चाहें तो उसको 40 मिनट में 45 मिनट में कर सकते हैं फिनिश, वैसे करना भी चाहिए जिससे कि आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। लेकिन स्टानो वाले बच्चों के लिए यहाँ नुकसान ये हो जाएगा क्योंकि आपको वहाँ 2 घंटे अच्छे खासे मिलने हैं, एक बहुत कम समय नहीं मिल रहा आपको वहाँ पर, तो 2 घंटे बहुत होते हैं बच्चों करने के लिए एग्जाम्स को, तो वहाँ पर आप अपनी स्पीड को आराम से मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात, मैथ नहीं आना है एग्जाम में, ओनली इंग्लिश आना है, तो अगर आप लोग घर पर 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट भी दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे खासे वहाँ पर स्पीड मेंटेन कर लें क्योंकि आपका सारा फोकस इंग्लिश पर ही है। रीजनिंग बहुत लोअर लेवल की रहने वाली है, आप लोगों की तैयारी इस बार कंफर्म है, बड़े अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप लोग। सो गाइस, कुछ इस तरह से आप लोग अपनी एमबी बुक को तैयार रखें और इसी तरह से लगे रहें तैयारी में अपनी जितना अच्छा हो सकता है, यही एक बेस्ट तरीका है तैयारी करने का और यही एक बेस्ट समय है अपनी तैयारी करने का। तो अगर इस तरह से आप लोगों ने तैयारी की तो बहुत जल्दी आपका सेट फिनिश हो जाएंगे, बिकॉज इसमें मोस्टली सेट जो है सीजल प्री के हैं और सीजल प्री का जो बच्चों 2018 के बाद प्रोसीजर था वो 25 क्वेश्चन का रह गया था और 25 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को करने में मुश्किल से 15 मिनट या 16 मिनट आपको लगने वाले हैं। अगर आप उसको कर लेंगे तो ये 195 सेट आपके विद इन 2 मंथ फिनिश हो सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली फिनिश हो सकते हैं। यस गाइस, क्योंकि अगर आपने इस बुक को फिनिश कर लिया, साथ ही साथ किरण बुक को फिनिश कर लिया, ग्रामर फिनिश कर लिया, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एग्जाम्स आपके बहुत दूर हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं डायरेक्टली आपको इशारा कर रहा हूँ, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। मैं यहाँ पर कोई डेट के बारे में चर्चा नहीं करूँ, लेकिन मैं आपको इंडायरेक्टली इशारा कर रहा हूँ, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। ये बुक आप लोगों को एग्जाम से पहले फिनिश करनी ही करनी है, ध्यान रखें गाइस, क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग बुक है, बच्चों को शायद इसके बारे में पता तो है लेकिन तैयारी नहीं करते हैं। 20 लाख से ऊपर इसकी कॉपी सब तक बिक चुकी है गाइस, तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बुक है बच्चों की, खासकर SSC वाले बच्चों के लिए। सो गाइस, अगर इसी तरह की और कोई वीडियो आपको चाहिए तो मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।